नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की शुरुआत ज़्यादा एनर्जी वाली नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये नेचुरल व्लॉग जो होते हैं वो अलग है, ये व्लॉग नहीं है। ये आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ मैं। आप लोग जानती हो अभी हुआ क्या है, सब जानते हैं, ऐसा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इतना बड़ा ये जो इतने हमारे 40 सैनिकों की हत्या की गई है, जी हाँ हत्या हुई है, शहीद नहीं हुए हमारे, हमारे सैनिकों को तो लड़ने का मौका ही नहीं दिया। जो सैनिकों के माँ बाप होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ जल सेना, थल सेना और वायु सेना में हैं, हम तो आम आदमी हैं, जो सैनिक हैं इन लोगों को जो भेजने के लिए माँ बाप के पास जो ये जिगर होता है कि वो उनको भेजते हैं, उनको पता होता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो अब सैनिक बन गए हैं, वो चाहे किसी भी आर्मी में हो, वही मैंने बताया आपको, तो उनको पता है कि वो शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब कि वो शहीद ही होंगे। अब वो उनको पता होता है, और सैनिकों को भी पता होता है कि हम देश के लिए शहीद होंगे, हम लड़ेंगे, जो दूसरा हमारे दुश्मन है उनसे लड़ेंगे और उसके बाद हम शहीद होंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये आप लोग जानते हो कितनी कायरता की गई है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बॉडी भी नहीं मिली है, कि अगर आप लड़ाई लड़ते हो, जंग लड़ते हो, तो उसमें अगर आपकी आप वहाँ शहीद हो जाते हो, वो चाहे किसी भी कंट्री के शहीद हों, तो उनको बाद में जो उनकी शरीर है उसको कम से कम अंतिम संस्कार किया जाता है। अंत में वो चाहे किसी भी रीति से किया जाए, हिंदू धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से, जिस भी धर्म का वो सैनिक था। लेकिन इस धर्म में आप कैसे करोगे जब जब उनके टुकड़े मिले हैं, जिन टुकड़ों को भी आप पहचान नहीं सकते, ठीक है, आप खुद समझ सकते हो। गुस्सा बहुत है, सच में बहुत गुस्सा है। मैं उस रात को, मैंने जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी उसी टाइम मैं देखी थी, मैं चाचा के साथ ऑफिस में था, तभी न्यूज़ फ्लैश हुई थी और हमें पता चल गया था ऐसा हुआ है। लेकिन पहले इतनी बड़ी खबर नहीं लगी थी, ये लगा था क्योंकि कश्मीर में ये रोज का चलता रहता है कि इधर से ये गोलियां चल रही हैं, ये वो सब रोज का है वहाँ पे किस्सा। लेकिन जब वो बाद में मेरे पास मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है उरी की तरह, जैसे उरी में हुआ था, और ये उरी से भी बड़ा अटैक है, और बाद में पता चलता है कि इसके अंदर 300 किलोग्राम जो आईडी जो बोला जा रहा है, वो जो बारूद है उसको यूज़ किया गया है, 300 किलोग्राम, वो जितना भी है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जो किलोग्राम में जो विस्फोट हुआ है, बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, जो बस थी जिसमें वो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, और उसमें कुछ हमारे सीआरपीएफ के ही डॉग स्क्वाड भी था, जो भी थे सब, जितने भी लोग उसमें घायल भी हुए हैं, ये हम लोगों के ऊपर एकदम बहुत बड़ा जो झटका दिया है ना आतंकवादियों ने, तो सच में इस समय हम हमारा अगर हम गुस्सा शांत कर देंगे अपना, तो हम लोग शायद बहुत बड़ी भूल कर देंगे। गुस्सा शांत नहीं होना चाहिए, बस मैं साफ बोल रहा हूँ। और साथ में एक और चीज, हम लोगों को साथ में रहना है प्लीज। मैंने जिस दिन ये केस हुआ था उस दिन क्या कहते हैं, एक वीडियो मुझे डालनी थी, लेकिन मैंने उस दिन अपने कम्युनिटी टैब में लिखा भी था कि मैं 2 दिन तक तो कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है, और पूरे 2 दिन के बाद मैंने फिर अपनी वीडियो डाली, और उसी दौरान मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, मैंने वीडियो डाली। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ही टारगेट बनाना शुरू किया, एकता की कमी की वजह से, एकता नहीं है क्योंकि लोगों में, जो आतंकवादी आ रहे हैं उसको तो दुश्मनी बनाते हैं, अपने ही देश में सरकार को गाली देना शुरू कर देंगे, फिर वो अपोजिशन वाले दूसरी सरकार को, दूसरी सरकार के लोग दूसरी उनको, कि आपकी सरकार है, आपकी वजह से गलती हुई है, पहली वाली सरकार कहती है दूसरी सरकार के ऊपर, दूसरी सरकार जो अभी चल रही है वर्तमान में वो बोलती है कि जब आप पहले थे तब भी ऐसा हुआ है, बस आपस में लड़ते रहते हैं, और जो जिनके घर में ऐसा बीतता है, जिनके सैनिक मरे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कुछ नहीं होता, और पब्लिक जितनी होती है अभी सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बस काम खत्म हो जाता है, 15 20 दिन 1 महीने तक ये होता है, उसके बाद शांत, सब खत्म, एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर दूसरा कोई मुद्दा आ जाता है, चुनाव के मुद्दे आ जाते हैं, खत्म हो जाता है पब्लिक की खत्म गर्मी। 2012 में जब रेप केस हुआ था, आपको याद हो, तब मैंने वहाँ पे मेरठ में अपने जहाँ पे रैली भी निकाली थी बहुत उसके लिए, कि लोगों में गुस्सा बना रहा है, कम से कम लोगों को दिखाई देना चाहिए, आज तक उनको सजा नहीं मिली है ना, जानते हो आप, अगर मिली तो शायद जेल वेल में पड़े होंगे, ऐसा कोई वो, ये कोई सजा नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि
एक आतंकवादी ने मुंबई रेलवे स्टेशन पे ये हमला किया है, ताज होटल में हमला किया है, वीडियो आ चुका है, वो अपने मुंह से बोल चुका है, सब कुछ है, इतने लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी इतने सालों तक उस पर करोड़ों खर्च करना और उसके ऊपर उसको खाना खिलाना, बिरयानी खिलाना, ये कौन सा कानून है? आपको पता चल गया तो सजाए मौत, खत्म करो केस, क्यों इतनी फाइलें दबा के रखती हैं? सोशल मीडिया का यूज अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को एकता दिखानी चाहिए, आपस में देखना चाहिए, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपनी अपनी तरफ से जायज बात कर रहा हूं कि अगर आप ये चाहो तो ये हो सकता है, हम लोग एक साथ अगर रहेंगे तभी ये सब कुछ हो सकता है, हम लोगों को एकता से रहना है। और कानून को जो भी वर्तमान जो सरकार है, हमें उनसे पूरा उम्मीद है कि शायद हमें अच्छा कुछ इंसाफ मिलेगा, और दिख भी रहा है सर, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत। देखो कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि जंग करो जंग करो, जंग बहुत छोटा शब्द है कि बोल दिया जंग करो, बस कह दिया, हमने तो कह दिया, हम आपके हमने तो कह दिया, हमने उस पर अपने शेयर कर दिया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कि जंग होनी चाहिए, बस अभी होनी चाहिए, बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी चीज है, जंग करना ऐसा आसान काम नहीं है, कई साल पीछे चला जाएगा देश, पता है, अगर जंग होती है तो। और जंग सिर्फ दो ही देशों की नहीं होगी, फिर और देश कूदेंगे, देखना और देश कूदेंगे तो कितना हथियार यूज होगा, कई सालों तक हथियार भी नहीं मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा सब, खाना पानी दाना सब खत्म हो जाएगा लोगों के पास, कितनी जाने जाएंगी, जंग सिर्फ आपस में नहीं होगी, बहुत नुकसान होगा भाई। देखो ये सब जो है, अगर दिमाग होगा तो ये आतंकवाद जो है, आतंकवादियों का तो दिमाग है नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये इन लोगों के कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं, हमें तो कभी ब्रेन वॉश नहीं हो सकते भाई, कितना ही कर लो, कितने करोड़ों का हमें ऑफर दे दो कि तुम्हें ये करना है वो करना है, चाहे धर्म के नाम पे करो या देश के नाम पे करो, तुम्हें लड़ना है सीने पे आके मारो ना गोली, सामने आके खड़े होके लड़ो, ये क्या साले कायर था की तरह पीछे से लड़ते हो, साला हिम्मत हो तो सामने से लड़ो ना, जंग लड़नी है तो। और जिस जिसको ये मेरी वीडियो बुरी लग रही है ना, तो बुरी लगे मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसलाइक करना डिसलाइक करो, लेकिन सैनिकों के लिए हमेशा अपनी इज्जत रखो कम से कम दिल में। सोशल मीडिया को भी इतना गंभीरता से मत लिया करो कि आप उसको एकदम से सीरियस मान लो। अभी कुछ वीडियोस थी जिनको पुलवामा अटैक बना दिया गया, उसको शेयर करने लगे लोग बिना उसकी जांच परख के, बाद में उसकी जांच परख हुई तो पता चला कि वो झूठी है कथन है। इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इतनी जल्दी पहले जांच परख लेना चाहिए, उसके बाद वो करनी चाहिए। मैं तो बस आप लोगों से चाहता हूँ, लोगों आपस में कम से कम जो आपस में अपने साथी हैं भाई उनसे प्यार करो, आतंकवाद को खत्म करने का हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम तो कर नहीं सकते, है ना, ये तो सैनिकों के हाथ में ही है, अब वो आर्मी अपने आप सही से करेगी, बहुत अच्छे से करेगी, आप पहले देख भी चुके हो, और पीछे जितनी जंग भी हुई है वो भी आप देख चुके हो, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें सैनिकों पे छोड़ देना चाहिए। अभी बस ये है, मैं चाहता हूँ कि बस हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करें पर्सनली जिनके घर में ये हादसा हुआ है, जिनकी क्षति हुई है। अगर मेरी मानी जाए तो वो जो सैनिक थे वो उन्हीं के घर के नहीं है, वो मेरे भी भाई हैं, आप लोगों के भी भाई हैं, वो हम सबके घर परिवार के हैं, हम पूरा एक परिवार है, तो ये सबकी क्षति है, पूरे हिंदुस्तान की क्षति है, तो और बहुत बहुत बुरा, बहुत बुरी वाली जो उनको मैं बोल रहा हूँ ना कि ये हत्या है, ये शहीद नहीं हुए, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं दिया लड़ने का, तो बहुत बुरा लगा सच में, ये इससे बुरा नहीं हो सकता कभी भी। शायद पूरी दुनिया में सबके पास आर्मी है, लेकिन किसी भी आर्मी के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता जैसे उरी में हुआ, सोते हुए को ऐसा कर दिया और अब हुआ, इसके ऊपर एक्शन अब कैडा ही लेंगे जैसे भी होगा, लेकिन हम लोगों को कम से कम अपनी आवाज बुलंदी रखनी है, गुस्सा बरकरार रखना है जब तक ये पूरा मामला हमें हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लोगों को, उनके घर परिवार को, बच्चों को, बहन को, बीवी को, जिन जिन के घर रोए हैं, हम लोग शायद इतना नहीं समझ पाएंगे लेकिन जिनके घर रोए हैं ना वो शायद ज्यादा समझेंगे, हम भी समझ रहे हैं लेकिन हम थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, थोड़ा देशभक्ति में, लेकिन और पर्सनली अगर जाएं तो ज्यादा समझ में अच्छा आता है। मैंने बोला भी शायद, देखो क्या मैंने उल्टा सीधा भी बोला होगा, मेरी बातों को इतना मत लेना, मैं इस टाइम ये
चौथा चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत कंट्रोल करके मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, नहीं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत बहुत गंदा गंदा बोल रहा था, मैं पूरा गुस्सा निकाला था मैंने अपना, लेकिन कुछ रूल्स को देखते हुए बस मैंने अपना दुख प्रकट किया ऐसे ही। मैं चाहता तो चुपचाप बैठा रहता है नॉर्मल कि ठीक है सब, लेकिन बोलना जरूरी था कि इतना बुरा कभी कैसे नहीं हो सकता। एक वीडियो में अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रही है, अगर आप लोगों ने देखी हो, एक न्यूज़ वीडियो चल रही थी जिसमें एक काइट, चील, चील होती है ना वो, जो वो जहाँ पे विस्फोट हुआ था वहाँ जमीन से कुछ उठा के लेके जाती है वो, आप समझ सकते हैं क्या उठा के लेके जाती है। और कुछ फोटोज हमने भी देखी हैं पर्सनली, फोटो कि उन ताबूत के अंदर वो जो गए हैं, जिनके अंदर शहीदों के शव गए हैं, उसमें क्या होगा, आप समझ सकते हैं उसमें क्या होगा, किसका अंतिम संस्कार किया होगा। बहुत दुख होता है। चलो ठीक है, रोने से अच्छा पहले कि आप लोगों से अलविदा करें, आके आपसे मिलेंगे, बाय, नमस्ते, जय हिंद।